महाराष्ट्र पिला मड़क सरकारी डाक्तरखाना पलटि मरण जंता 48 घंटे 16 शिशु मृत्यु ये हेउची महाराष्ट्र नांदेड जिलार सरकारी डाक्तरखानार विकल चित्र। शंकर राव चौहान सरकारी हस्पिटाल रे रोगी मृत्यु संख्या बढ़िवारे लगी सज्जेरे रोगी पड़ी छटपट होउछंती तो पुणी गोटिए परे गोटिए जीवन चली जाउछी। आपण जानिले आश्चर्य हेबे 24 घंटे 12 जन शिशु मृत्यु हो सारलानी। सेप्टेम्बर 30 रु अक्टोबर 1 तारीख भितरे 12 शिशु समेत 24 जनकर मृत्यु होईछि। एमितिक अटकी जा नथिला पिला मड़क परे पुणी 4 शिशु समेत 7 जनक मृत्यु होईछि। 48 घंटे मोट 31 जनकर मृत्यु होईछि। बड़ कथा हेउछि एबे भी डाक्तरखाना रे थिबा 60 रोगी अवस्था गुरुतर रहीछि। क्या क्या सुबह में डॉक्टर बोला संडास किया बच्चा लगी किया हम उसको ये करो बच्चा बाहर लाए उसको बच्चे को धोए सब किए हागिज लाए बच्चों को अंदर रेकर डाले। सुबह में क्या किया उन्होंने क्या बोला बच्चों को बड़े मिश्र में डालना पड़ता बच्चा थोड़ा कमजोर है बच्चा कमजोर नहीं था बच्चा कमजोर ऐसा तो लगी करना था नहीं संडास नहीं करता मुझे चिड़ता भी नहीं मुझे सुस्त ऐसे पड़ता था बच्चा कमजोर नहीं था बच्चा आता था ये इसी वास्ते कि बच्चा उसमें मिशन में कुछ खराब हो डॉक्टर के कारण कुछ भी हो इसी वास्ते वो बच्चा गया। सरकारी डाक्तरखाना रे मृत्यु संख्या बढ़िबा पछर कारण हेउछि रुग्ण स्वास्थ्य सेवा। अभिजुक अनुसारे रोगी को ठिकाना समय रे मिलुनी उपयुक्त औषध डाक्तरों अभाव को मध्य दायी करिछंती रोगी संपर्कीय। अन्यान्य सुविधा न मिलिबा जोगु रोगी जीवन चली जाउछि। सेपटे रोगी को बहु विलंबरे डाक्तरखाना अणा जाउथुबा कहिछंती स्वास्थ्य मंत्री। वाड़ीपाटी पे बच्चा लड़का गिर गया गाड़ी से तो उसको घुटने पे मार लगा था तो हॉस्पिटल में आके भर्ती कर दिए। भर्ती करने के बाद दूसरे दिन ऑपरेशन कर दिए घुटने को मार है बोले और बाद में घुटने को मार बढ़ने के बाद अच्छा हो गया मेरा लड़का बोल रहा था ये कर रहा था फिर बाद में गैंग गैंग्रेस हो गया बोले तो इन्फेक्शन निकलने का है बोले चीरा मीरा मारने का बोले तो हमारे सया में ले लिए हम डर के दे दिए सया फिर वो बाहर मूर्त बाहर से आए। हमारे बच्चे 35 वार्ड में मानसिक टेंशन है इसके ऊपर पहले एक डेढ़ महीने के बाद दो महीने के बाद पहले भी एडमिट कर दिया था अभी भी 15-16 दिन हो गए वो मेडिकल भी सब गोलियां बाहर से लाओ बोल रहे डॉक्टर लोग है चिटिया सब है ना हमारे पास। अशोक चौहान जी ने इसमें राजकर्म करना नहीं चाहिए वो वहाँ के लोक प्रतिनिधि हैं उनके इलाके में ये हॉस्पिटल आता है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है जैसा विपक्ष सत्ता की लोगों की जिम्मेदारी बनती है वैसा विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। इसमें राजकारण नहीं लाते हुए ये सभी हॉस्पिटल्स में कि आखिरी वक्त में लोग आते हैं इसीलिए ऐसा होता है ऐसा उनका कहना है हमारे डॉक्टर लोगों का प्रत्येक मृत्यु की हम जांच करेंगे। रोगी मृत्यु घटना दुर्भाग्यजनक तबे सरकार एहाकु गुरुतर सह नेइछंती बोली कहिछंती महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। एनी डाक्तरखाना को रिपोर्ट मगा जाइछि एवं दोषी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली कहिछंती। नांदेड हॉस्पिटल की जो दुर्घटना है सरकार ने गंभीरता से ली हुई है और सुबह ही मैंने दोनों सेक्रेटरी को बुलाया था उनसे प्राथमिक जानकारी ली हुई है। अस्पताल में मेडिसिन बिल्कुल पूरी तरह जितना आवश्यक है उतना वहां पर था डॉक्टर और स्टाफ वहां पर मौजूद थे। जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है इसकी जांच होगी और कार्रवाई हो जाएगी। 24 आवर्स में डेथ हुए थे बोले तो 30 सितंबर के 12 बजे से लेके 1 अक्टूबर के 12 बजे तक 24 घंटे में 24 डेथ हुए कि जिसमें 12 डेथ है बच्चों के है तो लेकिन इसमें भी कैसा है कि बच्चों की उम्र जो है पैदा हो के एक दो दिन के समझो ऐसे दो दिन के तीन दिन के ऐसे बच्चे थे और इनका जन्म होने के तब वजन बहुत कम था प्री मैच्योर बेबी जो बोलते तो ऐसे प्री मैच्योर बेबी में नेचुरली उनका श्वास लेना या ना फेफड़े वगैरह पूरे डेवलप नहीं होते हैं
तो ऐसे बेबीज का भी डेथ हुए वाला है। साप कामुड़े अधिकांश रोगी मृत्यु होपटे हस्पिटाल कर्तृपक्ष कहवा कथा पखापाखि 80 किलोमीटर भितर एक गोटे सरकारी डाक्तरखाना अच्छी बहु दूर लोके चिकित्सा पाई आसती औषध उपलब्ध थी डाक्तरखाना कर्तृपक्ष। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज़।